वह नहीं जानता कि किया हुआ वह होश में नहीं रहता। वह वहाँ से जाना लगाता है। जब वो आदमी थोड़ा उगे बड़ा उसके एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यूज कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ वाकर गरीबी तरह नाश्त होगी, दारोगा टूट जाता है। यहाँ से हमीन लॉस एंजेलिस शहर का मुश्किल दिखाया गया है, जहाँ जून कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक शाफ एक लड़की से राक्षस को निकालने के झूठ बोला गया था। जून वास्तव में एक अपसामनी अनुशाक है जो राक्षसों को दरवाजा कर सकता है और इनसे बात भी कर सकता है। अब केविन की दानु गरीबी तरह से था, हमें लड़की को नयातरी किया योना हम दुष्टात्मा को एक प्यूतर चाहू के रूप में उपयोग करता है और इसे मनतर हम राक्षस को कैद करने के झूठ बोलते हैं एक ग्यास में, लेकिन वह शीशा तोता हुआ था जिसे कारण वह दानव बस कन्या को छूट देता है, लेकिन फिर भी वो है दुनिया में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई दानु या देवदूत नहीं क्या तारा दुनिया में आ सकते हैं। केविन की ये असुर और शैतान के नियमों के विरुद्ध था। उन्होंने अपना एक नियम बना लिया था कि कोई भी दानु या देवदूत दुनिया में नहीं जाएगा। उनकी अनुमति के बिना केविन की राक्षस और देवदूत दुनिया में आए और लोगों को अच्छा या बुरा करने के झूठ ले गया। असली भगावा और शैतान ने ये नियम बनाया है। वे चाहते कि मानुषी दुनिया में रहूं, इनकी पसंद और अच्छा या बड़ा करना, ताकि मानुषी जमींदार हूं अपने अच्छे या पूरे कर्मों के झूठ। तो जान अब सोचने लगा है ये दानु दुनिया में कैसे आ सकता है। भगवान और शैतान द्वारा बनेगा नयामून के खिलाफ। असाली जान अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जो चारज के पीठ दे इसे पास चीजों को छूने की ताकत तुमसे और चीजों के बारे में पता करें। असाली है वो अपने दोस्त के पीठ पर नजर रखता है हमें दानु पर और कहते भी हैं कि अगर कहीं कुछ खराब है मुझे तवरान बातू। उसी के बाद जो डॉक्टर के पास जाता है जहां डॉक्टर ने बताए इस्तेमाल किया कि ज्यादा धूम्रपान करने के लिए आपके फेफड़ों और फेफड़ों में कैंसर है और ये अपने तैसारे चरण पर है। जान से आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, वरन तुम मार सकते हो। लेकिन सब कुछ सुनाने के बाद जो कहते हैं चाहे मुझे कोई भी बीमारी हो मुझे किसी भी किरण से मार जाना चाहिए, मुझे तंग जाना है। योहना ये सब क्यों कह रहा था यही हमीन पता चलाता है कि जान बचपन से ही तो राक्षसों को दिखने की ताकत और है वाजे से वा करता था भाग में जाओ, लेकिन उनके माता पिता कभी कभी बात पर विश्वास नहीं किया है। इन लगा कि जान पगल हो गया है, इसलिए उन्होंने उसका इलाज करने शुरू कर दिया। सबसे बहुत थक गया था मैं, लेकिन जान एक दिन इसे खुद को मारने का फैसला किया जो कि बहुत बड़ा पाप है चर्च के सुधारनत के अनुसार, यानी कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं ले सकता था। ये इख्तियार क्यूल एशूर का है और जो व्यक्ति ऐसा करता है सीधी नरक में जाओगे और योहना के आत्मा भी नरक में जाएंगे, लेकिन तभी डाकना ना उन बिजली के झटके मर जाएं और कसे तारा अपनी जान बचाए। वाह जीवित था, परंतु वो पाप जो योहना ना सिवाई को मारने के झूठ किया था अब जब भी जान मराता है वह नरक में जाएगा। हादसे के बाद जान को होश आया, उसकी आंतरिक शक्तियां और दुनिया में रहनुमा उसने मनुष्यों से रक्षासन को हटाना शुरू कर दिया ताकि वो दुनिया में रह के और अच्छा काम करो, लोगों की जान बचाओ। लेकिन योहना के मौत से शैतान बहुत दुखी था। फिर अनहोन सपट लगी जब भी जान मरता है लेन के झूठ शैतान खुद दुनिया में आएगा इस्तेमाल करें। उसी के बाद देखा गया है कि जान एक चर्च जाता है जहां इसकी मुलाकात एक परे से होती है। वह देवदूत भगवान के करीब था। जून इस्तेमाल बताता है कि अब भगवान ने इनकी आत्मा को माफ कर दिया है, केविन की अब वो अच्छा काम कर रहा है। तब देवदूत कहता है कि तमधारा उदीशी क्यूल अच्छा काम करना और सवार जाना है, आप अभी भी एक सवार थी व्यक्ति हैं जो क्यूल लोगों की जान बचाता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के झूठ। ये सब जाना के बाद जान को गुस्सा आया, वह वहाँ से चला जाता है। जब वो घर जा रहा था कई खतरनाक राक्षस रास्ते में हम पर हमला करो, लेकिन जॉन अनस लाडेटे है और नहीं मार डालता है, जिसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है। मध्य रात्रि नाम दिया गया आधी रात वास्तव में एक गार्ड था जिन्होंने पृथ्वी और आकाश का संतुलन बने रखा, यानी उन्होंने कैसे भी ये राक्षस को नहीं जाने दिया दुनिया में आओ आधी रात जमीन पर रहती है तुम। जून आधी रात को सब कुछ बताता है, लेकिन वह हम पर विश्वास नहीं करता केविन की। वो भी मानते कि राक्षस या देवदूत परमेश्वर किया गया के बगैर संसार में नहीं आ सका। तभी वहाँ एक राक्षस आता है जो मानु रूप में था, लेकिन जॉन यूज नहीं पहचाना था। इसे थोड़े बहस करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जो अपने दोस्त के पास जाता है जिसके पास कुछ हाथ यार जिससे राक्षसों का वध किया जा सकता था।
वह राक्षसों को मारने के झूठ कुछ हथियार देता है और चला जाता है दुसारी या आदमी जिन्हें हमने कहने की शरीयत में देखा था, जिसके पास भाग्य का भला था। वह एक लड़की को देखता है। मैं कौन था अस्पताल। वह अचानक छत से कूद जाती है और ताल में गिराकर अपने जान दे देता है, जिसे एक बाद लड़की के जुड़ावन बहन वहां आता है। नाम अंजला था। वह अपनी बाप की मौत से बहुत दुखी। तुम वह सोचते हैं कि इसे बताना ऐसा कैसे कर सकता है। वे सिद्ध एंटन की बहुत पक्षधर फिर चारज का इसे अपने साथ इतना बड़ा पाप कैसे किया, जिसा के साफ मटाला भ्याब इसकी आत्मा सीधी नरक जाएगी। अनजीला की बहन का भी ये निशान था, जिस तरह हमने कहने की शरीयत में देखा था हमें आदमी की बना पर। अनजीला अब वैद्यो देखती है अपनी बात के मरतियों से पहले। जिसमन उषा की बहन की मौत से पहले उसने जॉन कॉन्स्टेंटिन का नाम लिया था। फिर अनजीला जान के पास जाती है, लेकिन यहाँ जान ने अनजीला की मदद करने से इनकार कर दिया। केवन की वह बहुत चिंतित थी इनकी मौत और नारक के बारे में। जब अनजीला अपना घर छोड़ने लगते हैं, तब योहना देखता है कि वहाँ कुछ दुष्टामन तो यूएसए पीछे जो अंजला का पीछा कर रहे थे, तो वो जल्दी से इसे दिखे चला जाता है और इस्तेमाल इन राक्षसों से बचाता है। अब जो उसका साथ देने के झूठ पर था के बारे में भी जाना के कोशिश करता है। उषा की बहन का मामला, वह अपने हाथ में एक बिल्ली देता है और अपना जोड़ा पानी में डालकर बीत जाता है। ऐसा करने से वो नारक में जा पहुंचा। वहां उषा की मुलाकात अंजला की बहन की आत्मा से होती है। वह बताती है कि हाँ, मैंने अपने आत्मा को लिया है, लेकिन क्यों इसे कहने से पहले नारक के राक्षस जून के पीछे चले जाते हैं। क्या किरण बनाकर जाना है, जान को दुनिया में वापस आना है। दूसरी या जून के पीठ का दोस्त अनजीला की बहन से जोड़े कुछ सबूत मिलते हैं, तो वह अस्पताल जाता है अनजीला की बहन के शेयर के झूठ। जब वो इसे हाथ पर निशान देखता है और जब वो उसका हाथ पकाता है, वो नहीं जानता क्या हुआ था। वहां वह टडप टडप कर मार जाता है। जब जान को अपने पीठ के मरतियों के बारे में पता चला, वह वहां आता है जहां वो देखता है कि इसे पिता अपना तहफुजात्मिक लुकेट नहीं देखना था। जब वो मार जाता है, वह अपना हाथ देखता है जिससे खून बह रहा था। जब वो इसे देखता है, पता चलाता है कि ये एक निशान है, इस्तेमाल करें जो उसके पीठ ना उसके हाथ पर बनावाया था इसे मारने से पहले। अब जानते हैं निशान के बारे में। जान अपने दोस्त को फोन करता है, जन के साथ वो हथियार लेकर आया था राक्षसों को मारने के झूठ। निशान के बारे में जाने के बाद जान का दोस्त बताता है कि ये निशान शैतान के बेटे का है, जो गरीबी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। इस्तेमाल करें, काम करने होंगे, एक ऐसी जिंदगी को मारना है जिसके पास आदमी की ताकत है। वह अपनी ऐसी ताकतों का उपयोग कुछ भी पता लगाने के झूठ कर सकता है। और दूसरा भागी का अच्छा है। ये सब बताने के बाद जैसे ही जान का दोस्त फोन करता है, हम पर मक्खियां हमला कराते हैं। वह भी ये मार गया, उसका मतलब यह है कि ये सब अभी भी था शैतान के बेटे द्वारा किया गया। ये सब जाने के बाद जान अनजीला के पास जाता है और इस्तेमाल सब कुछ बताता है। वे डोनन समझ गए कि अंजला के बहन है। आदमी की ताकत तुझे की वह कुछ भी पता लगा के, इसलिए उसने जान बुझा कर अपने आत्मा दत्ता की शैतान का बेटा किया। उद्देश्य में कभी आसान नहीं होता। अनजीला बताती है कि इसके पास भी था उषा की बहन जासी शक्तियां, लेकिन इस्तेमाल अपनी ताकतों के बारे में कभी पता नहीं चला। असलिए इन ताकतों को इसे हाथ दिया गया है, लेकिन अनजीला अब फिर से हासिल करना चाहते हैं आप उषा की शक्तियां। असलिए वो जून से मदद मांगती है। जॉन यूज बाथटब में डालता है, वह अपना मीना पानी में रखता है जब तक वो मौत के करीब नहीं पहुँच जाती है। तभी अचानक अनजीला बाहर आती है। मौत को इतना करीब देखा कर उषा की शक्तियां वापस आ गईं। अनजीला अब अपने मानास का प्रयोग करता है ताकत और जान को बताता है कि तुम्हारे पीठ को किसे राक्षस ने मार डाला है और आपका दोस्त जो आधा इंसान है और आधा दानू। अनजीला इस्तेमाल में दानू के बारे में बात कर रही तुम कि जो पहले मिला था पार उसने यूज नहीं पहचाना। सब कुछ जाने के बाद हमें राक्षस के पास जाता है और हम पर पावतर जल डालते हैं। दानव ये बताता है आप शैतान के बेटे को नहीं रोक सकते। दुनिया में आने से केवन की भागी का भला भी है, इसे पास जा रहा है। अब शैतान का बेटा लेना चाहता था अनजीला की आत्मा, क्यों इसे पास था। पता चला कि अनजीला की ताकता व अपनी बहन की तारा वापस आ गई। तुम असलिए शैतान ने अंजील का इस्तेमाल किया और अब दुनिया में आना चाहता था। जब अनजीला जान के साथ तुम फिर एक काली ताकत आती है और अनजीला को जून से दरवाजे ले जाता है। सबके बाद अब जून जाता है मैं आधी रात तक और इस्तेमाल विश्वास डलता है।
कि आकाश का संतुलन और पृथ्वी खराब हो गई है। राक्षस हमारे देश में आ रहे हैं और सबके पीछे शैतान के बेटे का हाथ है। सब कुछ जाने के बाद आधी रात जान को एक कुर्सी देता है जिस पर वो बैठा था और भला की सारी सच्चाई का पता लगा लिया और इस्तेमाल पता भी चल जाता है। जहां अनजीला अभी है जान अपने असिस्टेंट को भी साथ ले जाता है। दूसरी तरफ अंजला यूसी में युवा पूल जहां से इसे बहुत अच्छा लगेगा तुम और अपने आत्मा दे। तभी वहां एक आदमी आता है जो बहुत ही अजीब लग रहा है। अनजीला ना इस्तेमाल गोली मार दे लेकिन इस्तेमाल और इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ अनजीला को पका। जहां अनजीला तुझ वहां की राक्षस जो अनजीला के आत्मा लेने आए दे एक मानु रूप में लेकिन वहां जान का मुआविन मकस हो जाता है। एक पानी की टांकी में पीतर जल जिसके बाद वो हमें जल को इन राक्षसों पर डाल देते हैं। वी सब पानी जल के करने जल रहे हैं। उसका फयाडा ठाकुर जूनी राक्षसों को मार डाला। जब एक राक्षस इस्तेमाल करता है वहां मारने की कोशिश कर रहा था जान का सहायक आता है और हमें राक्षस का वध कर देता है जिसने जान के आत्मा को बचाया। दूसरी या अनजीला अभी भी पानी के कनर में तुम जो शैतान के बेटे के पास नारक में है वह अनजीला के शहर में आना चाहता था और दुनिया में आओ शैतान के बेटे की योजना सफल रही। जब जून पूल में आता है अनजीला अब जोनूनी तुम जो जान को देखते ही हम पर हमला कर देता है लेकिन वहां जान और इनके सहायक बचाने की कोशिश करो इस्तेमाल करें। जान बहुत जोर से मनतर पर रहा था इजली वह काइंस के कान इटाने पीरा में यू लेकिन अब इनका सहायक बना हुआ है। ओना का काम इन दोनों ने अनजीला को ठीक कर दिया था। तभी फिर कोई काली ताकत आती है और जान के सहायक को मार डालता है। जान को अब बात पर गुस्सा आ गया था वह जोर से मनतरों का जाप करना लगाता है। तभी वहां परी आती है केवन की हम परे को लगावा आदम हर बार गलते करता है और भगवान से कशमा मांगता है और परमेश्वर का इस्तेमाल कशमा करता है लेकिन ऐसा करना के झूठ आदमी को सजा मिलाने चाहिए। असालिये वह देवदूत था शैतान के बेटे का समर्थन। वो दुनिया में आदमी को सजदा दिलाना चाहती है जिसके बाद वो जान को एक कमरे में बंद कर देते हैं और इस्तेमाल भलाले से वह शैतान के बेटे को खींचने लगते है अनजीला के गर्भा से बाहर। जान को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तभी वो डोन नसून को काट देता है इसे हाथ जैसी वो जानता था कि अगर इसे खुद को मारने की कोशिश के शैतान खुदा का इस्तेमाल लेना आएगा और वास्तुओं में ऐसा ही होता है। जब शैतान जान के पास आता है जून इस्तेमाल सजीश के बारे में बताता है यूएसए बेटे और पारी की। वह कहते हैं कि आपा का पत्थर दुनिया में आता है और हर जगह इनकी हुकूमत के पास जाता है। भगवान का दौत उसका समर्थन कर रहा है। सब कुछ जाने के बाद शैतान क्रोधित था वह अपने बेटे को वापस भेज देता है अनजीला के गर्भा से नारक तक और परी को सजा के रूप में। उसने अपने डोनन हाथ जाला लाए और इस्तेमाल एक आम आदमी में बदल देता है के बाद शैतान बहुत खुश हुआ। वह जून के मृत्यु से पहले वह अपनी अंतम इच्छा कहना है जिस पर वो कहते हैं कि मुझे चाहिए अनजीला की बहन की आत्मा को ले जाया जाएगा नारक से बाहर और स्वर्ग में भेजा गया। केवन की इन सब में इनका कोई दोष नहीं था वह सिर्फ आपके बेटे को अपना झूठ इस्तेमाल करना चाहता था। सब कुछ जाने के बाद शैतान अनजीला की बात कहता है नारक से और ऐसा स्वर्ग में भेजाता है जिसे एक बाद वह जून की खिंची कराते हैं और इस्तेमाल नारक में ले जाता है। कभी कभी जून का शेयर अटक जाता है इसे झूठ बोलते हैं सवाल के द्वार खोल मर जाएंगे। केवन की जान ने अनजीला की बात कही आत्मा को भेजा था बिना किसी गलती के सवार में अच्छे इरादे के करना है। यूएसए क्लाइस वर्ग के दीवार भी खुल गए क्या पर शैतान को बहुत अच्छा आता है वह जान के कंसर को मारता है और इस्तेमाल लंबे आत्मा के झूठ शराब देता है और वो कहता है कि तुम शोरों करोगे दुनिया में फिर से आपकी आत्मा जब आप अपने आत्मा में पाप करके मराता है मैं तमी लेना जरूर आऊंगा और तुम मेरे साथ नारक में जाओगे। ये सब कहने के बाद शैतान वापस अपनी दुनिया में चला गया। जून अपनी दुनिया में सिगरेट पीते हैं पूजा करता है। बाद में वो अनजीला के पास जाता है और इस्तेमाल बताता है भाग्य के भला को छपने के झूठ बोलते हैं। वह उसका दोबारा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकी। वह अपने सहायक के कब पर भी जाता है जहां वो अपने आत्मा को आसमान में उड़ाता हुआ देखता है हमारे साथ एक देवदत्त के रूप में। जून अपने आत्मा के उद्देश्य को समझ गया कि इस्तेमाल सिर्फ अच्छा काम करना है जिसे बदले में यू स्वर्ग मिलेगा। असाली हमेशा अपनी आत्मा में अच्छा